पाजी सत श्री अकाल। पाजी आपने मेरे सारे डाउट क्लियर किए, अब एक दो डाउट और है। पाजी मैं बीकानेर राजस्थान से हूँ। पाजी पहली बात तो ये है कि हमारे पास गाय हैं, खेत भी है, तो पशु आहार को हम लोग कैसे घर पे बनाए? एक्चुअली क्या है पाजी कि कितना भी दूध हो, हमारा आधा पैसा, आधे से ज्यादा पैसा, मतलब हम कह सकते हैं 3/3 पैसा पशु आहार खरीदने में लग जाता है, जैसे रिंगणी खरीदना, खल खरीदना। इसका कोई विकल्प हो जैसे हम घर पे कर सके तो इसके बारे में। पाजी मेरा दूसरा डाउट ये है कि हमारे पास राठी काऊ है, उसका अच्छा ब्रीड है, हम अच्छा सीमन कहाँ से खरीदे, इम्पोर्टेंट सीमन? उसका अगर कोई आपके पास हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर देना। थैंक यू पाजी। देखिए, पशु आहार जो कैटल फीड तैयार करना है, इसके लिए मैंने आपके साथ में काफ़ी वीडियो शेयर किए हुए हैं, जिसका अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको एक बारी देखें। इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा। और बाकी रही बात यह है कि जो इसका खर्चा कम करने का सबसे बढ़िया विकल्प जो है वो है साइलेज। साइलेज के अंदर जो दूधिया मक्का है, जब मक्का के अंदर दूध, दाने के अंदर दूध बन जाता है, तो वो काट के उसका साइलेज बनाया जाता है, यानी कि वो मक्का उसके साथ में ही जाती है चारे के अंदर। तो उस कंडीशन के अंदर जो पशु आहार की क्वांटिटी है वो काफ़ी कम लगती है, उससे काफ़ी बचत होती है और साइलेज पशुओं के लिए बहुत अच्छी उपलब्धि बनी है। अब रही बात यह है कि इम्पोर्टेड सीमन जो है, हमारे पंजाब की जो संस्था PDFA है, उससे अगर आप लेके जाते हैं तो आपको बिल्कुल ओरिजिनल मिलेगा। और राठी या जो भी आपके पास में देसी गाय है, इसको आगे अच्छे HF या जर्सी के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो आपके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे रहेंगे। हेलो, नमस्कार अंकल जी। मैं यूपी से RK सिंह बोल रहा हूँ। मैं अंकल जी ये जानना चाहता हूँ कि मैं एक डेयरी फार्म खोलना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे HF और जर्सी ब्रीड की गाय चाहिए। तो हमारे यहाँ गर्मियों में टेम्परेचर 45 के आसपास रहता है, तो यहाँ वो गाय हमारे यहाँ वो सूट करेंगी या नहीं, ये आप हमें जानकारी बताएं। और मैं ये जानना चाहता हूँ, जो जर्सी और HF में क्रॉस ब्रीड का हुआ है, वो हमारे यहाँ सुटेबल रहेंगी या प्योर ब्रीड में? और 20 से 25 लीटर दूध तक की क्रॉस ब्रीड गाय कितने में मिलेगी? देखिए, ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि आम डेयरी फार्मर, जो भी नए लोग हैं, उनके दिमाग में ये आ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर की समस्या हमारे देश के अंदर रहती ही है। तो उसके लिए कूलर, पंखे और फोगर अगर आप लगाते हैं तो वो समस्या आपकी ख़त्म हो जाती है। तो आप उस गाय को, जर्सी या HF गाय को मेंटेन कर सकते हैं। अब रही बात यह है कि गाय कितने की मिलेगी। नियर अबाउट 20 किलो वाली गाय जो है, 50,000 के आसपास रेट इसकी होती है। और अब इस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ है, मंडियां रुकी हुई हैं, सारा माल इधर रुका हुआ है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में माल ज़्यादा हो जाए तो कुछ रेट मंदा भी हो सकता है। हाय पाजी, सत श्री अकाल। मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, सूरत जिले से। मेरा फार्म अभी 10 भैंसों का फार्म है, लेकिन मुझे गाय रखनी है। लेकिन कौन सी नस्ल की गाय रखनी है, जर्सी के HF के क्रॉस? जवाब दीजिए पाजी। देखिए, जो गाय HF और जर्सी गाय ही कमर्शियल डेयरी फार्मिंग के अंदर हिंदुस्तान के अंदर कामयाब है, और यही गाय रखने के अंदर जो कि आम नॉर्मल 50-60 हज़ार रुपये की अवेलेबल है, उसको आप खरीद के काम करें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि सूरत के एरिया में काफ़ी लोग यहाँ से गाय ले जाते हैं और वो काफ़ी कामयाबी से उधर चल रहे हैं। सर, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ, रजत चंद्राकर। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में दूध का रेट जो गवर्नमेंट का डील है उसमें बोनस वोनस मिला के 30 से 35 रुपये पड़ता है। तो क्या इतने रुपए में
डेयरी फार्म चलाना प्रॉफिट के साथ संभव है, और अगर है तो मुझे कितने से कितने लीटर की गाय और भैंसे रखने पड़ेंगी जिससे मुझे को प्रॉफिट हो सके। देखिए, इस रेट के अंदर डेयरी चलाना संभव है, लेकिन हरे चारे का प्रबंध आपके एरिया में क्या पोजीशन है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अगर आपके पास में ग्रीन फोडर पैदा करने के लिए लैंड अपनी है तो आपकी कोई परेशानी नहीं है, इस रेट में भी आप कमा सकते हैं। और अगर आपके पास लैंड अपनी नहीं है, साइलेज का प्रबंध नहीं है, साइलेज को आपको पंजाब से ले जाना पड़ेगा, तो आपको इस रेट के अंदर पड़ता नहीं आएगा। हेलो अंकल जी को मेरा प्रणाम, मैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी से बोल रहा हूँ। अंकल जी, जिस एरिया पे मैं रहता हूँ, ये उत्तरकाशी का जो एरिया है, यहाँ स्नोफेल बहुत ज़्यादा होता है, मतलब साल के 2 महीने ठीक ठाक स्नोफॉल होता है। तो अंकल जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं पंजाब से HF गाय लाता हूँ तो वो यहाँ सक्सेस होगी कि नहीं? अगर फीडिंग फूडिंग का मैंने पूरा वो कर लिया है कि जैसा फीडिंग उन्हें पंजाब में मिलता है, ऐसी फीडिंग अगर यहाँ मिलेगी तो क्या वो यहाँ भी सक्सेस हो पाएगी? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है। आपकी जो ये गाय है इस टेम्परेचर के अंदर कामयाब रहेगी। बाकी इसके शेड वगैरह कैसे बनाने हैं, आप गाय खरीदने से पहले एक विज़िट पंजाब के एक दो फार्म देखें, और उसके बाद में अगर आप काम करते हैं तो आप बहुत अच्छे शेड बना लेंगे और उसके अंदर स्नोफॉल वगैरह का प्रबंध आपका हो जाएगा। कि कुल मिला के मेरा ये कहना है कि इस टेम्परेचर के अंदर अगर आप जो पंजाब के अंदर गाय को खिलाया जाता है वही आप वहाँ खाने का प्रबंध कर देंगे तो आपकी कोई परेशानी नहीं आएगी, आपकी कामयाबी निश्चित है। नमस्कार सर जी, महाराष्ट्र से बोल रहे हैं हम। 10 गाय लेने के लिए कितना खर्चा आएगा महाराष्ट्र? देखिए, 10 गाय का एक ट्रक के अंदर 8 या 9 गाय जाती है, तो इसका खर्चा महाराष्ट्र का लगभग पूरा 1 लाख रुपए के आसपास आ जाता है, जिसके अंदर ट्रक का किराया, जो छोटे टेम्पुओं से कलेक्शन करनी पड़ती है, गाय इकट्ठी करनी पड़ती है, वो सारा मिला करके। सत श्री अकाल पाजी, मैं मनीष कुमार यादव नेपाल से बोल रहा हूँ। आपका सब्सक्राइबर हो और आपका सारा वीडियो मैं रेगुलर देखा करता हूँ। सर, मेरे को जैसे कि काउ फार्मिंग में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं 5 प्रेग्नेंट हीफर परचेज करना चाहता हूँ और 4 मिल्किंग काउ, उसका बच्चा बच्चे के साथ। सर, इसलिए मेरे को गाइड करिए कि मेरे को पंजाब में कहाँ से वो अच्छे हीफर मिलेगा और मेरे को ट्रांसपोर्ट कितना लगेगा यहाँ पे नेपाल बॉर्डर तक? देखिए, जो ट्रांसपोर्ट की बात है तो लगभग आपके 1 लाख रुपए के आसपास लग जाएगा टोटल पूरी गाड़ी का, जिसके अंदर 8 या 9 गाय आएगी। और आपको जैसे भी है प्रेग्नेंट हाइफर चाहिए, मिल्किंग गाय चाहिए, उसकी अवेलेबिलिटी बहुत है, यहाँ काफ़ी प्रोडक्शन है। और आप जैसे ही अभी लॉकडाउन खुलते हैं तो उसके कम से कम 15 दिन बाद में अपना प्लान करें। फिलहाल अपने प्लान को पेंडिंग में रखें और जगह वगैरह का अगर कोई प्रबंध करना है तो वो करें। तो दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास लगा घंटी का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।